आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए, गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह गणेश जी भगवान की परम भक्त थी। जब भी पूजा पाठ करती तो गणेश जी भगवान से एक ही बात कहती कि हे गणेश जी भगवान, मुझे नाती देना, पोता देना। अगर मेरा नाती हो जाएगा तो मैं 125 मन का लड्डू का भोग लगाऊंगी और चांदी का छत्र भी चढ़ाऊंगी। गणेश जी भगवान की कृपा से बुढ़िया माई के लड़के की बहू को लड़का हो गया। बुढ़िया माई ने न तो भोग लगाया और न ही चांदी का छत्र चढ़ाया। गणेश जी भगवान इस बात से नाराज हो गए और बुढ़िया माई के नाते को अपनी सूंड में छिपा लिया। सब बुढ़िया माई अपने नाती को पूरे गांव में खोजती रही। पूरे गांव में हल्ला मच गया कि बुढ़िया माई का नाती खो गया है, बुढ़िया माई का नाती खो गया है, कहीं नहीं मिल रहा है। तब बहू बोली, सासू माँ, आपने कोई मन्नत तो नहीं मानी। तब बुढ़िया माई को यह बात याद आ गई और बोली कि हाँ, मैंने गणेश जी भगवान को 125 लड्डू का भोजन और चांदी का छत्ता चढ़ाने के लिए बोला था। इतना याद आते ही गणेश जी भगवान ने नाती को छोड़ दिया और नाती मिल गया। फिर बुढ़िया माई ने 125 लड्डुओं का भोग लगाया, चांदी का छत्र भी चढ़ाया। भगवान प्रसन्न हो गए और बुढ़िया माई के घर में अन धन का भंडार भर दिया, रिद्धि सिद्धि का वास हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले, सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अब है गणेश जी महाराज की दूसरी कहानी। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण का लड़का गणेश जी महाराज की बहुत सेवा पूजा पाठ करता था। उसकी माँ उससे बहुत लड़ती थी और कहती थी कि यह सेवा पूजा छोड़ और कुछ काम धंधा करो, सेवा पूजा काम नहीं आएगी। रोज झगड़ा होता। एक दिन लड़का विनायक जी महाराज का नाम लेकर घर से निकल गया और सोचा, आज तो विनायक जी महाराज से मिलकर ही इसका उपाय पूछूंगा और तभी वापस घर आऊंगा। लड़का भयानक जंगल में पहुंच गया। विनायक जी महाराज ने सोचा, यह मेरा नाम लेकर घर से निकला है, इसे बाघ वगैरह न खा जाए, इसे तो बचाना ही पड़ेगा। बूढ़े ब्राह्मण का वेश धरकर विनायक जी महाराज आए और बोले कि लड़की कहाँ जा रहा है। लड़का बोला, विनायक जी महाराज से मिलने जा रहा हूँ। विनायक जी महाराज बोले कि कहाँ मिलेंगे। तो लड़का बोला, जहाँ पर भी मिलेंगे वहीं जाऊँगा, पर जाऊँगा जरूर। विनायक जी महाराज उसके सच्चेपन से बहुत प्रभावित हुए, उसको साक्षात दर्शन दिए और बोले कि मैं ही विनायक जी हूँ, बोल क्या चाहता है, कुछ मांग ले। तो लड़का बोला, मैं तो कुछ मांगना ही नहीं जानता, कैसे और क्या मांगूँ। फिर गणेश जी महाराज बोले कि फिर यहाँ क्यों आया है। तब लड़का सोच विचार कर बोलता है कि घोड़ों और लगाम मांगू, पूछो गजराज को, महल मांग के माड़ियाँ मांगू, ढोलो हिंगराज को, पुरसन वाली ऐसी मांगू, जाने फूल गुलाब को। विनायक जी महाराज बोले कि लड़के, तू तो बहुत चतुर निकला, अनजान बनकर सब कुछ मांग लिया, पर कोई बात नहीं, ऐसा ही सब कुछ हो जाएगा। लड़का वापस अपने घर आया तो देखा कि पिंडे पर एक छोटी सी दुल्हन बैठी है। घर में बहुत धन दौलत, हाथी घोड़ा, लाव लश्कर हो गए। लड़का अपने माँ से बोला, देखो माँ,
इतना प्रताप है मेरे विनायक जी महाराज का, यह सब उन्होंने ही दिया है। माँ बहुत प्रसन्न हो गई। हे विनायक जी महाराज, जैसा आपने उस लड़के को दिया वैसा सबको देना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले, सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए, गणेश जी भगवान की जय हो।